बक्सर की तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं CNB न्यूज, आपको रखे आगे आपका अपना चैनल। बिहार में बढ़ते कोरोना के मामले के बीच मास्क पहनना अब अति आवश्यक हो गया है। ऐसे में बक्सर के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान ने मास्क को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए सड़क पर पदयात्रा किया। ऐसे में जिलाधिकारी के साथ कुछ लोग पीछे कोरोना संदेश की पट्टी लिए भी जागरूक यात्रा में शामिल होते हुए नजर आए और भ्रमण किए। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सब्जी मंडी से लेकर लोगों को मास्क प्रति जागरूक किया। वहीं जिसके पास मास्क नहीं था उसे जिलाधिकारी ने मास्क देकर मास्क पहनने की प्रति जन जागरूकता फैलाने की कार्य किया। जिलाधिकारी ने कहा कि ये कार्यक्रम लोगों को मास्क प्रति जागरूकता करने के लिए है, क्योंकि लोग मास्क पहनने के लिए हम लोग मास्क जागरूक अभियान चला रहे हैं। वहीं SP उपेंद्रनाथ वर्मा ने बताया कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लोगों को डरने की ज़रूरत है, सिर्फ एहतियात बरतना ज़रूरी है। लोग घर से ना निकलें, निकलने के बाद मास्क का प्रयोग करें। लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए आगे भी कार्यक्रम चलाया जाएगा, आवश्यकता पड़ने पर सख्ती भी किया जाएगा। बहरहाल कोरोना की रफ्तार बक्सर जिले में जिस रफ्तार से बढ़ा है, ऐसे में मास्क का रोल काफ़ी अहम हो जाता है। जिस तरह गांव के लेकर बाजारों में बिना मास्क लगाए लोग घूम रहे हैं, उसको देखते हुए जिला प्रशासन को सख्ती का पालन करना पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन के इन प्रयासों से जागरूकता होगी या फिर कदम कड़े उठाने पड़ेंगे। संजीव उपाध्याय के साथ गुड्डू आजाद की रिपोर्ट, CNB न्यूज, बक्सर। उसमें जो है विभाग का जो डायरेक्शन आया है उसके अनुसार जो है हम लोग खोलने की अनुमति दे रहे हैं। साथ साथ अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, BDO हैं, CO हैं, SHO हैं, वो लोग अपने स्तर से वो जो भी SOP का गाइडलाइन है उसका अनुपालन भी कराएंगे। साथ साथ हम लोगों ने कहा है कि उनके साथ मीटिंग भी करके उनको जो है डायरेक्शन भी उनको बता दें। टिड्डी का जो इलाका है उसके संबंध में मॉक ड्रिल भी किया गया था, और जो मॉक ड्रिल के अलावा जो भी SOP है विभाग का उसका अनुपालन करने के लिए उन लोगों को डायरेक्शन दिया गया है। तो जहाँ भी वो मामले आते हैं उसमें जो है कृषि पदाधिकारी एक्टिव होकर वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। अब कौन सा पंचायत का मामला है अगर वो संज्ञान में आप दे देंगे तो हमको अलग से उसको भी देख लेंगे। अभी जैसा कि मैंने बताया कि कोरोना वायरस का संक्रमण अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लगातार इसका खतरा धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। तो हालाँकि बोला जा रहा है कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। उसी क्रम में मास्क पहनना अभी अनिवार्य कर दिया गया है। आज का ये जो कैंपेन है वो मास्क पहनने को ही लेके है। तो पब्लिक से मैं अपील करूंगा कि लोग जो है 100% जब भी बाहर निकले मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को तोड़ा जा सके। प्रशासन के द्वारा लगातार अभियान चलाया भी जाएगा, जिस तरीके से पहले लॉकडाउन में चलाया गया था उसी तरीके से चलाया जाएगा, और आवश्यकता पड़ने पर सख्ती भी की जाएगी।